नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु नीलम में। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को समझेंगे और फिर उससे जो भी आप जैसे डिडक्शन होता है, यानी कि आप क्या कंक्लूजन समझ रहे हैं उसको समझेंगे। 20 लड़कों की 15 दिन की मजदूरी 9,000 है। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बॉयज लिख दे रहे हैं और डेज लिख दे रहे हैं और यहाँ पे मजदूरी लिख दे रहे हैं। समझ लीजिए 20 लड़के, 15 दिन की मजदूरी इनकी है 9,000। ठीक, यदि एक पुरुष की मजदूरी लड़के की 1.5 गुना है तो कितने पुरुष 3 दिन में इतना करेंगे? कोई बात नहीं। ठीक, 20 लड़कों की 1 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 600, डिवाइड कर लीजिएगा, 600 आ जाएगा। ठीक, एक लड़के की 1 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 30 रुपये। ठीक है, यदि पुरुष की मजदूरी लड़कों की मजदूरी की 1.5 गुना है, यानी कि अब मेन की बात हो रही है, मेन डेज, एक आदमी की 1 दिन की मजदूरी कितनी है? 45। ठीक, तो कितने पुरुष 3 दिनों में 13,500 अर्जित करेंगे? ठीक है, एक पुरुष 30 दिन में कितना अर्जित करेगा? 4,500, इतना इतना अर्जित करेगा। तो 13,500 अर्जित करने के लिए हमें कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी? 30 मैन, 30 दिन में कितना अर्जित करेंगे? 13,500। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप देखते ही समझ जाएंगे कि 20 लड़के 15 दिन में 9,000 कमा रहे हैं, तो 20 लड़के 1 दिन में कितना कमाएंगे? 600 रुपये। एक लड़का 1 दिन में 30 रुपये, यहाँ पे 1.5 गुना है, यानी कि एक आदमी 1 दिन में 45 रुपये कमाएगा, एक आदमी 30 दिन में 1,350 रुपये कमाएगा, तो 10 आदमी 30 दिन में 13,500। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, हम सवाल को तोड़ तोड़ के आपको बता दिए, तोड़ तोड़ के हम आपको हर एक स्टेप पे बता दिए कि कैसे आपको सोचना है। ठीक, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई भी बता पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी प्रॉब्लम है, इसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और सीखेंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल समझना इम्पोर्टेंट। यदि 5 पुरुष और 7 लड़के मिल करके 6 दिनों में 3825, एक दिन में पंखा बंद करने मिल गया, यदि 5 पुरुष 7 लड़के, ठीक है, मैन 5 बॉयज 7 डेज 6, 3825 रुपये अर्जित कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे 2 पुरुष 3 लड़के 4 दिन में 1,050 रुपये अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो हमसे कुछ पूछा है, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है? ठीक, देखिए 6 दिन में आपका 3825 रुपये अर्जित करेंगे, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 5, 7, 1 दिन में कितना करेंगे? इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड करेंगे 3825/6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिख दे रहा हूँ, ठीक, एक मिनट रुकिएगा, 3825/6 आपका आ जाएगा 637.5। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 637.5, वैसे ही 2 आदमी 3 लड़के 1 दिन में कितना करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करना है, 1,050/4 आपको 4 करना है, तो अगर आप ये करते हैं तो आपका आ जाएगा 262.5। ठीक, समझ गए? अब आपसे पूछा है 7 आदमी और 6 लड़के, ठीक है, 7 आदमी और 6 लड़के का पूछा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कर दीजिए। देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ठीक है, क्या क्या है, 7 आदमी और 6 लड़के, ठीक है, 7 आदमी चाहिए और हमें कितना लड़के चाहिए? 6 लड़के चाहिए। ठीक, तो इस इक्वेशन का हम 2.5 टाइम्स कर दे रहे हैं, 5 आदमी 7.5 लड़के, ठीक है, 1 दिन में कितना वो करेंगे? तो आपका आ जाएगा 262.5, आप करेंगे तो 656.25 आ जाएगा, 656.25 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऊपर और इधर को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आधा लड़का 1 दिन में कितना काम करेगा?
इतने में से आप कितना घटा दीजिए, 637.5 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 637.5 आप घटाएंगे, ठीक है, 637.5 हम घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 18 रुपये 75 पैसा, ठीक। एक यानी आधा लड़का एक दिन में, तो एक लड़का एक दिन में कितना कितना कमाएगा, ठीक, 18 × 36 और 75 का डेढ़ आ जाएगा 37.5, एक लड़का एक दिन में 37.5 रुपीस कमाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, 7 पुरुष और 6 लड़के, 7 पुरुष और 6 लड़के, ठीक, तो आप क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे, देखिएगा इसको मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और इस इक्वेशन को कह रहा हूँ, ठीक, तो 7 पुरुष 10 लड़के, 7 पुरुष 10 लड़के, ये 6 दिन है ना, 4 दिन है, ओ ऐसे नहीं होगा, इसको मुझे एक एक दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, एक एक दिन में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, हाँ देखिए एक एक दिन में हमने कन्वर्ट किया है ना, तो 7 पुरुष, ठीक है, और 10 लड़के, 10 लड़के एक दिन में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 637.5 और 262.5, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 637.5 प्लस 262.5, हम दोनों को जोड़ दिए तो आपका आ गया 900, ठीक, 7 पुरुष 10 लड़के एक दिन में 900 रुपए का काम कर रहे हैं, और एक लड़का एक दिन में 37.5 का काम कर रहा है, 7 पुरुष 6 लड़के एक दिन में कितने का काम करेंगे, 37.5 × 4 − 900, ठीक है, 900 − 37.5 × 4, ठीक है, तो आपका 750 आ जाएगा, ठीक, ठीक है, तो इतना कितने दिन में करेंगे, आपका 30 आ जाएगा, देखिए 6 पुरुष 6 लड़के एक दिन में अगर 750 का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 22,500 का काम कितने दिन में करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक, देखिए कितने कितनी आसान तरीके से तोड़ तोड़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देखिएगा प्रॉब्लम का लेवल है ये टफ लेवल का प्रॉब्लम है, एक और जिसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन कितने आसान तरीके से हर एक स्टेप पे मैंने तोड़ तोड़ के आपको समझाया है, पहले मैंने यहाँ पे तोड़ा तब आपको समझ में आया, फिर मैंने यहाँ पे तोड़ा और आपको ये समझ में आया, फिर मैंने एक कैलकुलेशन से एक कैलकुलेशन किया, एक मैनिपुलेशन किया इक्वेशन में, जिससे एक लड़के का एक दिन के काम का आया कितनी वैल्यू उसको मिल रही है, फिर प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन से मैंने चीज़ों को सॉल्व किया, ठीक है, तो ये जब भी आएगा तो SSC Level 2 का क्वेश्चन है, ठीक, और टफ लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वक्त आपको इसमें लगेगा, लेकिन जब भी आएगा आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, ठीक, सवाल क्या है, ABC तीनों मिलकर 18 दिन में 2700 अर्जित करते हैं, ठीक, ABC 18 दिन में कितना अर्जित कर दिए, 2700 अर्जित कर लिए, ठीक है, यानी कि एक दिन में कितना अर्जित कर लिए, 150 अर्जित कर लिए, ठीक है ना, ABC एक दिन में कितना अर्जित कर लिए, 150 अर्जित कर लिए, AC दोनों मिलकर 10 दिनों में 940 अर्जित, AC दोनों मिलकर 10 दिनों में यानी एक दिन में कितना अर्जित करते हैं आपका, 94, AC एक दिन में 94 अर्जित कर रहा है, यानी बी कितना अर्जित कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए, बी आपका एक दिन में 56 अर्जित कर रहा है, BC 20 दिनों में 1520 अर्जित करते हैं, ठीक, BC 20 दिनों में 1520 अर्जित करता है, यानी कि एक दिन में कितना करेगा आपका, आपका आ जाएगा 7 और 76 रुपये अर्जित करेगा, BC एक दिन में 76 रुपये अर्जित करेगा, तो ए एक दिन में कितना अर्जित करेगा आपका, 74 रुपये, ठीक है, 74 यानी कि सी एक दिन में 20, ठीक है, देखिए तीनों का मैंने यहीं से ज्ञात किया, सी की दैनिक मजदूरी कितनी है, 20 रुपये, ठीक है, देखिए कितना आसान सा सवाल, ABC का एक दिन का मैंने निकाला, एक दिन का आ गया, बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं करना है, फिर AC का एक दिन का निकाला, ठीक, AC के एक दिन का आ गया, तो यहाँ से B का एक दिन का आ गया, ठीक है, अगर AC एक दिन में 94 रुपये कमा रहा है तो B एक दिन में कितना आ गया, 56 रुपये, ठीक, अब BC का एक दिन का आ गया तो आपका B का जब 56 था तो सी का यहाँ से 20 कर लीजिए, फिर A का वहाँ से निकाल लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था, हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक, पहले उसके बढ़ने के पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ये आसान सा सवाल था, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। ठीक, आसान सा सवाल था। सवाल देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में 1500 अर्जित करते हैं। ए बी सी 10 दिन में 1500, ठीक, एक दिन में 150। ठीक, ए सी दोनों मिलकर 8 दिन में 800 अर्जित करते हैं। ए सी 8 दिन में 800, एक दिन में 100। यानी बी का यहीं से आ गया 50 रुपये। ठीक, ए सी 100 रुपये, बी सी 9 दिन में 900। अरे बहुत बहुत ही आसान, बी सी 9 दिन में यानी एक दिन में 100, यानी ये भी 50 और ये भी 50। बी की दैनिक मजदूरी कितनी है? 50। यहीं से आ गया। ठीक है, लेवल 1 का क्वेश्चन था, सिर्फ SSC में नहीं, बहुत बहुत और भी CHSL का लेवल 1 का क्वेश्चन हो जाएगा ये, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, और यहाँ पे आप आइए, रेगुलर प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक प्रैक्टिस होती है, उस एक्सप्लेनेशन को देखिए और हमेशा जब भी प्रैक्टिस कीजिए उस एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए और अपना भी दिमाग लगाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हुआ है पहले आप पॉज करके अपना दिमाग लगाइए और फिर बाद में एक एक्सप्लेनेशन को देखिए और देखिए कि क्या आप भी मेरी तरीके से उसी एक्सप्लेनेशन के लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल लेंगे। ठीक, इसको फिर मैं अपना मिटा दे रहा हूँ, ना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, क्या है? राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। राम है, किसी काम को 20 दिन में पूरा किया। ठीक है, यहाँ पे 20 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोई काम है 20 दिन में पूरा, कोई काम राम और श्याम साथ मिलकर के उसे 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, राम और श्याम इसी काम को 15 दिन में पूरा कर लिए। यदि वह काम को 400 रुपये पाते हैं तो प्रत्येक की मजदूरी कितना होगा? ठीक है, तो 60 सही लग रहा है ना, 60 सही लग रहा है। ठीक, इसलिए मैंने एक मान लेते हैं 60 काम था, तो राम 3 काम करता था। ठीक, अगर राम श्याम दोनों मिलकर के 15 दिन में इसको कर लिए तो यानी कि हर दिन 4 काम हुआ है। अगर 4 काम हुआ है और राम 3 काम करता था तो श्याम 1 काम करेगा, समझिएगा। ठीक, मान लेते हैं 60 काम था। ठीक, राम 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, यानी कि राम प्रतिदिन 3 काम कर रहा है, समझिएगा। ठीक, राम श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी कि पर डे अब कितना वर्क मेरा हो रहा है? 4 वर्क हो रहा है। ठीक, अगर राम 3 काम कर रहा है तो श्याम कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक, तो मजदूरी भी उसी रेशियो में, यदि वह काम का 400 पाते हैं तो प्रत्येक की मजदूरी राम को 300 मिल जाएगा और श्याम को 100 मिल जाएगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, CGL लेवल 1। ठीक है, इस लेवल का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक, तो अभी जो भी सवाल सबसे टफ मिला था वो हम लोग को वही मिला था। ठीक, बाकी सब आसान सवाल थे, सिर्फ सोचने भर की देरी है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अब और कोई सवाल बचा है हमारे पास। ठीक, तो जो सवाल सबसे टफ था उसको हमने डिस्कस कर लिया, आसान प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर लिया। मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रॉब्लम पे क्या, किस लेवल का प्रॉब्लम। ठीक, ये आप कह सकते हैं कि 2-स्टार प्रॉब्लम था, इसके बाद आपका ये 4-5 स्टार प्रॉब्लम था, टफ था, बहुत मैनिपुलेशन थी। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2-स्टार प्रॉब्लम, ये सेम 2-स्टार प्रॉब्लम और ये भी सेम 2-स्टार प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, जिन भी लोगों को लग रहा है कि भाई मेरे पढ़ाने से उनको थोड़ा उनकी नॉलेज लेवल सुधरी है या कोई फायदा हुआ है, तो वो कमेंट में हमें ज़रूर करके बताएं। आपके कमेंट से क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है पर डे वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और मैं जब यहाँ पे वीडियो लाता हूँ तो जितनी भी चीज़ें मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में सीखी रहती हैं, ठीक है, प्रिपरेशन टाइम में मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो मैं सारी यहाँ पे उहेल देता हूँ, सारी बता देता हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे बताता हूँ। देखिए, मेरा जो तरीका है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो एक है थिंकिंग मेथड है। आप वो पहले सोच करके ही उस मेथड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो और तरीका जो मेरा होता है वो हर एक प्रॉब्लम के साथ वैरी करता है। ठीक, आप प्रॉब्लम पकड़ के आप बताते हैं कि भाई इसमें मैं फंडामेंटल तरीके से जाऊंगा, ऑप्शन मेथड से जाऊंगा, या मैं कुछ सोच करके।
ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वॉच करते रहिए, हर दिन एक से एक कंटेंट आपको मिलता रहेगा।